नमस्कार दोस्तों, चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक की। दोस्तों, आपको बता दें कि चांदनी चौक एक ऐसा पॉइंट है मुजफ्फरपुर शहर का, जहां से कई जिलों से लेकर के विदेशों तक का रास्ता का सफर यहाँ से यहाँ के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आपको बता दें कि चांदनी चौक होकर के ही आप मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर जैसे विभिन्न ऐसे जिले हैं जिनको ये जोड़ती है चांदनी चौक। यह चांदनी चौक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ अक्सर ही जाम लग जाता है। NH 28 यहाँ से होकर के गुजरती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक के पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो पटना की ओर, हाजीपुर की ओर बढ़ते हैं और आगे भी इस रूट की जितने भी यात्रा हैं आप कर सकते हैं। इसी रूट से आगे जाकर के समस्तीपुर के लिए भी रास्ते निकल जाते हैं। साथ ही साथ पश्चिम की ओर मोतिहारी, बेतिया और नेपाल तक के रास्ते को इसके माध्यम से हम लोग सफर करते हैं। आपको बता दें उत्तर की ओर सीतामढ़ी, सोनवर्षा और जनकपुर होते हुए नेपाल की ओर उधर से भी जा सकते हैं। साथ ही साथ दरभंगा की ओर भी निकलने के लिए लूप लाइन बना हुआ है। यहाँ से पूरब की ओर शहर पूरा बसा हुआ है, चांदनी चौक के पूरब में मुजफ्फरपुर शहर बसा हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक आपको बता दें कि यहाँ का जो आप देख रहे होंगे कि ट्रकों का लाइन लगा हुआ रहता है, यहाँ अक्सर व्यवसायिक की दृष्टि से यहाँ पर अक्सर ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बहुत सारी हैं और रोड के दोनों किनारे हमेशा ही ट्रक लगी हुई रहती है। आपको बता दें कि इससे जाम का भी परेशानी होते रहता है, प्रशासन बार बार इसे हटाती भी रहती है, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर से पुनः व्यवस्था पुरानी जगह पर ही वापस आ जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चांदनी चौक मुजफ्फरपुर का एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर व्यवसायिक दृष्टिकोण से, चूँकि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी भी है और कपड़े की एक बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पर बहुत सारे जो बाहर से लखनऊ, बम्बे, दिल्ली, अन्य जगहों से जो भी सामग्रियाँ आती हैं, सामान आते हैं, वो ट्रकों के माध्यम से यहीं पर इसका सेंटर बनाया गया है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ यहाँ पर हैं, चूँकि दिन में शहर में एंट्री नहीं रहता है, इस वजह से दिन भर यहाँ ट्रक खड़ी रहती है और रात को विभिन्न जगहों पर ट्रक के माध्यम से सामानों को पहुँचाया जाता है। तो ये आपको बता दें कि चांदनी चौक व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा जगह है और जब भी यहाँ आए आप देख सकते हैं कि यह एक सेंटर है शहर को जोड़ने का, दूसरे राज्य, स्टेट और जिला को जोड़ने का। साथ ही साथ आपको बता दें इसके आगे बैरिया उत्तर की ओर जब बढ़ेंगे तो बैरिया बस स्टैंड है, जहाँ से विभिन्न जिलों पूर्णिया, कटिहार, पटना, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, रक्सौल, दरभंगा, मधुबनी, इन सारे जिलों का गाड़ी यहां से उपलब्ध रहता है। यह एक तरह का सेंटर है जिसके माध्यम से आप
आगे का सफर जारी कर सकते हैं। दोस्त इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि चांदनी चौक एक भीड़ भाड़ वाला जगह है। उम्मीद करते हैं कि चांदनी चौक के बारे में आप लोग कमेंट करके और भी जानकारियाँ दे सकते हैं। यह जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह से नेपाल, यूपी, दिल्ली या अन्य जगहों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ उपलब्ध रहती हैं, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध रहते हैं, हर एक तरह की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण जगह है चांदनी चौक, जिसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच रखना चाहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।